हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं कपलिंग, क्लचेस और ब्रेक का वन शॉट वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कपलिंग्स के बारे में, बाद में देखेंगे ब्रेक्स के बारे में, और अंत में हम क्लचेस के बारे में समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो हम कपलिंग क्या है वो देख लेते हैं। तो वो समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के रखा है। ये है मोटर। मोटर के पास एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट यानी एक रॉड होता है। जब मोटर को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये रॉड रोटेट होना शुरू हो जाता है, यानी ये जो रॉड है वो रोटेटिंग रॉड है, जिसे हम बोल देंगे ड्राइवर शाफ्ट। यानी यहां पे हमें रोटेशन मिल रहे हैं। अब ये जो रोटेशन है, या फिर बोल लो यहां पे जो पावर हमें मिल रहा है, वो पावर अगर हमें कोई मशीन में ट्रांसफर करना है, यानी मशीन को भी रोटेट कराना है, तो मशीन के पास भी एक शाफ्ट होगा। फिलहाल ये शाफ्ट रोटेट नहीं हो रहा, तो उसे हम स्टेशनरी बोल देंगे, और ये जो स्टेशनरी शाफ्ट है उसे हम बोल देंगे ड्रिवन शाफ्ट। तो अगर हमें यहां पे जो रोटेशन है, यहां पे जो पावर है, ये पावर को ये शाफ्ट पे ट्रांसमिट कराना है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे ट्रांसमिट कराना है, भेजना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए दोनों शाफ्ट को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये मोटर का शाफ्ट घूमेगा तो मशीन का शाफ्ट घूमेगा। अगर कनेक्ट करना है तो हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर वेल्डिंग करते हैं। यहां पर अगर हम वेल्डिंग कर देते हैं तब भी यहां का जो रोटेशन है वो यहां पर चला जाएगा, यहां का पावर यहां पे ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि जब ये मशीन को उठा के हमें दूसरी जगह पे रखना है, तब क्या करना पड़ेगा? तब ये जो वेल्डिंग है उसे हमें कट करना पड़ेगा, और कटिंग जो प्रोसेस है, काटने की जो प्रोसेस है, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। इसलिए हम दोनों शाफ्ट को वेल्डिंग से कनेक्ट करेंगे नहीं। तो किससे कनेक्ट करेंगे? तो हम कनेक्ट करेंगे कपलिंग से। तो यहां पर हम एक डिवाइस लगा देंगे, ठीक है? वो डिवाइस को हम क्या बोल देंगे? कपलिंग बोल देंगे, जिसके कारण एक शाफ्ट पे से दूसरे शाफ्ट पे आसानी से पावर ट्रांसमिट हो जाएगा। और जब ये मशीन को हमें दूसरी जगह ले जाना है, तो कपलिंग के अंदर कुछ नट और बोल्ट आते हैं, उसे बस हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे आसानी से, तो जिससे करके ये वापस से अलग हो जाए एक दूसरे से। तो कपलिंग यानी क्या? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, यूज टू ट्रांसमिट द पावर। किसके लिए काम आता है? पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, एक शाफ्ट पे से दूसरे शाफ्ट पे। कैसे? बाय कनेक्टिंग बोथ शाफ्ट्स। दोनों शाफ्ट को कनेक्ट करेगा वो, जिसके कारण जो पावर है एक शाफ्ट पे से दूसरे शाफ्ट पे ट्रांसमिट हो जाएगा। अब ये कपलिंग के कुछ टाइप्स हैं। ये टाइप में से दो टाइप आपको पूछ लेते हैं 7 मार्क्स में, कभी 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछ लेते हैं। कौन से टाइप है पहले देख लेते हैं। टाइप मफ कपलिंग है, जिसे बॉक्स कपलिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिट मफ कपलिंग, जिसे क्लैम्ड कपलिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग के दो टाइप है, रिजिड फ्लैंज कपलिंग और फ्लेक्सिबल फ्लैंज कपलिंग। अब दोनों कपलिंग में प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड टाइप आते हैं। कैसे? वो तो हम जब पढ़ेंगे तभी मालूम चलेगा, अभी खाली टाइप हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है ओल्ड हार्म्स कपलिंग और लास्ट में है यूनिवर्सल कपलिंग। अब एक एक करके हम ये जो कपलिंग्स है उसका डायग्राम, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग देख लेते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं मफ कपलिंग के बारे में। मफ कपलिंग को हम बॉक्स कपलिंग भी बोल सकते हैं। हम एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैंने बोर्ड पे थोड़ा बहुत लिख दिया है, और साथ ही साथ जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं, जो यहाँ पे नहीं है वो आप अपने हिसाब से ऐड भी कर लेना, क्योंकि बोर्ड पे सारी बात मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं मफ कपलिंग से, जिसे बॉक्स कपलिंग बोलते हैं। सबसे पहले तो क्या काम आता है? तो सिंपली दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए काम आता है, जिससे करके एक शाफ्ट पे से दूसरे शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट हो सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ हॉलो सिलेंडर लेंगे। ये हॉलो सिलेंडर यानी अंदर से खाली, अंदर से खोखला, ऐसा कुछ एक हम सिलेंडर ले लेंगे। ये सिलेंडर जो है, ये हॉलो सिलेंडर, ये पूरा, इसे हम बोल देंगे मफ या फिर बॉक्स। अब इसे सामने से अगर सिलेंडर को हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा? एक रेक्टेंगुलर पोर्शन जैसा दिखेगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसे हम बोल देंगे मफ या फिर बॉक्स, ठीक है? अब ये अंदर से हॉलो है, हॉलो यानी खाली है, तो हम क्या करेंगे? एक साइड हम ड्राइवर शाफ्ट को इंसर्ट कराएंगे और दूसरी साइड से ड्रिवन शाफ्ट को इंसर्ट करा देंगे। तो यहां से हमने ड्राइवर शाफ्ट इंसर्ट करा दिया, जो कि घूम रहा है, जिसका पावर हमें ड्रिवन पे ट्रांसमिट करना है। दूसरी साइड हमने ड्रिवन शाफ्ट इंसर्ट करा दिया। बाद में यहाँ पे कुछ गैप रहने वाली है, किसके बीच में? ये मफ और ये दो शाफ्ट के बीच में गैप रहने वाली है। तो वो गैप के अंदर हम एक लोहे का टुकड़ा, ऐसा कुछ लोहे का टुकड़ा यहाँ पे अंदर इंसर्ट कर देंगे। कैसे?
यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करेंगे तो सामने से देखने पर ऐसा कुछ दिखेगा, बाद में यहाँ पे हैमरिंग करके हथौड़े से ठोक के हम क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे इसे, ठीक है, जिसके कारण जब ड्राइवर शाफ्ट घूमेगा तो ड्राइवर शाफ्ट का जो पावर है वो की को ट्रांसमिट होगा, की ये जो मफ है बॉक्स सिलेंडर उसको ट्रांसमिट करेगी, तो ये सिलेंडर भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण ये जो हमारा ड्रिवन शाफ्ट है वो भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, हमने पावर एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे ट्रांसमिट कर दिया। अब लिखना क्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इट हैज वन हॉलो सिलेंडर, ये वाला कॉल्ड मफ, जिसको हमने मफ बोल दिया, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ मफ, दोनों साइड मफ से ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट्स आर इंसर्टेड, ड्राइवर और ड्रिवन को रख दिया, विद इन द गैप ऑफ शाफ्ट एंड मफ, ये जो शाफ्ट है और ये जो मफ है उसका जो गैप है उसके अंदर क्या करेंगे, टेपर श्रंक की इज इंसर्टेड, नाम याद रखना ये की का नाम है टेपर श्रंक की, जो एक लोहे का टुकड़ा मेटल का पीस होता है, ठीक है, बाई हैमरिंग यानी हथौड़े से टाइट कर देंगे। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो कपलिंग है हम कब यूज कर सकते हैं, कब हम एक शाफ्ट पे से दूसरे शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब दोनों शाफ्ट के एक्सिस जो है वो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हो, कोइंसाइड यानी क्या, दोनों शाफ्ट के एक्सिस एक ही लाइन में हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ड्राइवर शाफ्ट का एक्सिस और ये ड्रिवन शाफ्ट का एक्सिस, दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तभी हम मफ कपलिंग का या बॉक्स कपलिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कपलिंग की ओर जाते हैं, स्प्लिट मफ कपलिंग या फिर क्लैम्प्ड कपलिंग। अब स्प्लिट मफ कपलिंग यानी क्या, यहाँ पे हमने एक मफ लिया था, वो क्या था, हॉलो सिलेंडर था। अब ये जो हॉलो सिलेंडर है इसको हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट यानी दो पार्ट में तोड़ना, ठीक है, तो ये जो हॉलो सिलेंडर था उसे हम ऐसे दो पार्ट में ऐसे तोड़ देंगे, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये फर्स्ट पार्ट लेंगे, फर्स्ट पार्ट कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा दिखने में, फर्स्ट पार्ट ले लिया, उसके ऊपर हम क्या रखेंगे, ड्राइवर शाफ्ट ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे ड्राइवर शाफ्ट रख दिया, उसका पावर हमें ड्रिवन पे ट्रांसमिट करना है तो वो साइड हमने ड्रिवन शाफ्ट रख दिया, ऐसे ड्राइवर शाफ्ट रखा और ऐसे ड्रिवन शाफ्ट रखा ये पार्ट पे, ठीक है, ऐसे ड्राइवर ऐसे ड्रिवन, ठीक है। अब बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम ये जो ऊपर का पार्ट है सेकंड पार्ट उसको ऊपर ऐसे रख देंगे, लेकिन ऊपर रखने से पहले ये ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट है उसके ऊपर हम एक लोहे का टुकड़ा रख देंगे जिसे की बोलेंगे, कौन सी की बोलेंगे, रेक्टेंगुलर शेप की है तो इसे हम रेक्टेंगुलर की बोल देंगे। ऐसे हमने रखा है, वापस एक बार ये नीचे का पार्ट ले लिया, ये नीचे का पार्ट आ गया, ऐसे हमने ड्राइवर शाफ्ट रखा और इसके पीछे ड्रिवन रखा, तो सामने से देखने पर ड्राइवर और ड्रिवन एक ही शाफ्ट दिखने वाले हैं, और उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक लोहे का टुकड़ा, सामने से देखेंगे तो एक रेक्टेंगल पोर्शन दिखेगा, ठीक है, बाद में ऊपर का हम जो हाफ मफ है दूसरा पार्ट वो ऊपर रख देंगे तो ऐसे करके हम रख देंगे, ठीक है, बाद में दोनों को हम नट और बोल्ट से टाइट कर देंगे, जिसके कारण जब ड्राइवर शाफ्ट घूमेगा ऐसे तो उसके पीछे ये पूरा का पूरा ड्रिवन शाफ्ट भी घूमना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हम ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। वापस से ये कपलिंग हम कब यूज कर सकते हैं, तभी यूज कर सकते हैं जब दोनों शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे को कोइंसाइड करते हो, कोइंसाइड यानी क्या, दोनों शाफ्ट के एक्सिस एक ही लाइन में हो। यहां पे अगर देखें ड्राइवर शाफ्ट तो इसका एक्सिस ये जो बोर्ड है उसके परपेंडिकुलर है, और उसके जस्ट पीछे हमने ड्रिवन शाफ्ट रखा है उसका एक्सिस भी बोर्ड के परपेंडिकुलर है, यानी दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। लिखना क्या है, मफ इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, ऑन फर्स्ट हाफ पार्ट, ये जो पहला हाफ पार्ट है, ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट्स आर प्लेस्ड, ऐसे करके हमने प्लेस कर दिया, और उसके ऊपर क्या लिखा, एंड अबाउ This one rectangular key is placed, ऐसे करके एक rectangular key रख दी। बाद में क्या करेंगे, जो second half part है, then second half part of muff is tightened with nuts and bolts, दूसरे part को हम nut और bolt से tight कर देंगे, और कब use होता है, used to transmit the power when axis of both shafts are coinciding each other, जल्दी से screenshot ले लो, आगे की coupling देखते हैं। Next है Oldham's coupling। तो पिछले दो कपलिंग में हमने ये देखा था, एक तो हो गया था हमारा मफ कपलिंग और दूसरा क्लैम्प्ड कपलिंग या स्प्लिट मफ कपलिंग। ये दोनों कपलिंग हम कब यूज कर सकते हैं, जब जो दो शाफ्ट होंगे हमारे दोनों शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे के साइड कोइंसाइड करने हो, तभी जाके हम वो दो कपलिंग का यूज कर सकेंगे। अब अगर हमारे पास एक शाफ्ट इधर है और एक शाफ्ट इधर है, और अगर हमें पावर ट्रांसमिट करना है, यानी दोनों शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल, तब हम कैसे पावर ट्रांसमिट कर पाएंगे, तब हम यूज करेंगे ओल्डहाम्स कपलिंग का। यानी ओल्डहाम कपलिंग का यूज क्या है, इट इज यूज टू ट्रांसमिट द पावर व्हेन एक्सिस ऑफ बोथ शाफ्ट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक्सिस एक दूसरे के कैसे होंगे, पैरेलल। जैसे कि ये हो गया हमारा ड्राइवर शाफ्ट जो के रोटेट कर रहा है, ये हो गया हमारा ड्रिवन शाफ्ट, दोनों के एक्सिस कैसे हैं, दोनों के एक्सिस पैरेलल है,
तब हम ओल्ड आर्म्स कपलिंग का यूज करेंगे। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, टोटल तीन डिस्क का यूज करेंगे, फर्स्ट डिस्क, सेकंड डिस्क और थर्ड डिस्क। फर्स्ट डिस्क जो है उसमें एक स्लॉट बनाएंगे, ये स्लॉट होगा एक ही सरफेस पे, ठीक है। दूसरी डिस्क लेंगे हम, ये दूसरी डिस्क सर्कुलर डिस्क लेंगे, सर्कुलर डिस्क। दूसरी डिस्क पे हम स्लॉट बाहर की तरफ बनाएंगे, ये दो स्लॉट दोनों सरफेस पे हमने बना दी। तीसरी हम डिस्क लेंगे, वो तीसरी डिस्क पे हम स्लॉट एक ही सरफेस पे बनाएंगे। ये वाली डिस्क हमने ले ली, यहाँ पे लगा ली, किसके साथ, ड्राइवर शाफ्ट के साथ, ठीक है। बाद में ये जो सेकंड नंबर की डिस्क है, जो दोनों साइड यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने डबल स्लॉटेड डिस्क, ये हम ये स्लॉट में यहाँ पे फिक्स कर देंगे, तो ये स्लॉट में फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया। बाद में तीसरी डिस्क लेंगे, एक ही स्लॉट है एक सरफेस पे, तो उसे यहाँ पे फिक्स कर देंगे। और ये डिस्क के साथ हम ड्रिवन शाफ्ट लगा देंगे जिसपे हमें पावर ट्रांसमिट करना है। अब ये जब शाफ्ट रोटेट होगा तब क्या होगा, ये ऐसे करके पावर ट्रांसमिट होगा, ये रोटेट हो रहा है अपनी ही जगह पे और ये ऐसे ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा पावर का। बस तो इतना ही हमें लिखना है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन आप लिख लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं यूनिवर्सल कपलिंग में। यूनिवर्सल कपलिंग का क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं यूनिवर्सल कपलिंग कहाँ पे पाई जाती है। तो ऑटोमोबाइल्स में यूनिवर्सल कपलिंग का मैक्सिमम यूज होता है। अब ये कपलिंग हमने देखी भी होगी, कैसे, जैसे कि ट्रक और बसेस होते हैं उसके नीचे की साइड एक स्लांट रॉड होता है, इतना लंबा सलिया जैसा होता है, ठीक है, जो रोटेट होता रहता है। अगर वो नहीं देखा आपने तो रिक्शा जो होती है उसके पिछले टायर पे, दो टायर पे ऐसे स्लांट दो रॉड टायर के साथ कनेक्ट किए गए होते हैं और उसके ऊपर रबर लगाया गया होता है, तो वो जो होता है वो होता है हमारा यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग का एडवांटेज क्या है कि यूनिवर्सल कपलिंग जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलाउ करता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, जैसे कि ये हमारा ड्राइवर शाफ्ट है, ये रोटेट हो रहा है, ड्रिवन को हमने पावर ट्रांसमिट कर दिया कपलिंग लगा के, ठीक है। अच्छा, अब दोनों रोटेट हो रहे हैं, अगर बस के नीचे हमने वो लगाया, क्यों यूज है बस के नीचे लगाने का, यूज ये है कि बस जाती है तब कुछ खड्डे आते हैं, बम्पर्स आते हैं, तो क्या होगा, ऐसे जर्क हो लगेगा, जर्क लगने पर क्या होगा, ये कपलिंग टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो यूनिवर्सल कपलिंग है वो क्या करेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अलाउ करेगी, ठीक है, यानी जर्क आने पर वो अपने आप से फ्लेक्सिबल बन जाएगी ऐसे करके, ठीक है, शायद समझ गए होंगे आप। यानी ये कपलिंग का यूज क्या है कि हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं जब दोनों शाफ्ट के एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो, इंटरसेक्ट यानी ऐसे, ये एक शाफ्ट ये दूसरा शाफ्ट, पहले ऐसे थे दोनों शाफ्ट, अगर कुछ जर्क आया खड्डा आया तो ऐसे होंगे यानी एक्सिस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। और जो हमारे गियर्स होते हैं और फोर व्हीलर में जो गियर होते हैं वो भी यूनिवर्सल कपलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, तो इसके पास एक सी चैनल होता है, ये सी चैनल सामने से देखने पर ये सी शेप का लगेगा, सी चैनल होता है। ऊपर से देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे तो ये सी चैनल ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है, ऐसे करके दिखेगा। ये टॉप व्यू मैंने बनाया है यहाँ पे, ये ऊपर से देखेंगे तो सी चैनल ऐसे लिखेगा, ठीक है, एक सी चैनल होता है, ठीक है। सी चैनल के साथ हम ड्राइवर शाफ्ट कनेक्ट कर देते हैं जो रोटेट हो रहा है। अब ये सी चैनल एक तो हमने ले लिया, दूसरा एक और सी चैनल लेंगे, लेकिन वो सी चैनल को हम 90 डिग्री रोटेट करके लगा देंगे। एक सी चैनल लिया, दूसरा 90 डिग्री रोटेट करा के हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ऐसा कुछ सी चैनल हमने लगा दिया। ये सी चैनल के साथ हम ड्रिवन शाफ्ट कनेक्ट कर देंगे जिसपे पावर ट्रांसमिट करना है। ऐसी हमारी असेंबली बन चुकी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक होल तो है ही, ठीक है, तो यहां से हम एक एक बोल्ट को पास करेंगे, यहां से बोल्ट को पास कर लिया, ठीक है। अब ये जब कपलिंग रोटेट होगी तो ये जब पोर्शन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बोल्ट नीचे से गिर जाएगा, तो बोल्ट नीचे ना गिरे उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलर लेंगे। कॉलर ये रहा कॉलर, ये भी एक हॉलो सिलेंडर है, पतला सा हॉलो सिलेंडर है। ये कॉलर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिट करेंगे, यहाँ पे नीचे फिट करेंगे, और बाद में यहाँ से हम एक पिन को पंच कर देंगे जिसके कारण जब ये कपलिंग रोटेट होगा तो ये बोल्ट खिसक के बाहर ना चला जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन आप अपने हिसाब से लिख लेना, शायद से समझ में आ गया होगा। सी चैनल को ऐसे लगाया, ठीक है, बोल्ट पास किया, नीचे से क्या लगा दिया हमने, कॉलर लगा दिया, कॉलर को पिन कर दिया। जब भी खड्डा के जर्क आएगा तब क्या होगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलाउ करेंगे, यानी शाफ्ट कैसे करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, यूज टू ट्रांसमिट द पावर व्हेन एक्सिस ऑफ बोथ शाफ्ट्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। और कहाँ पे यूज होता है, यूज इन ऑटोमोबाइल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी कपलिंग के बारे में पढ़ लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है फ्लेंज कपलिंग। अब फ्लेंज कपलिंग का क्या यूज होता है वो देख लेते हैं। पहले तो
फ्लेंज कपलिंग भी मफ कपलिंग और स्प्लिट मफ कपलिंग के जैसे ही, जब दो जो हमारे शाफ्ट है उसके एक्सिस कोइंसाइड करते हो, एक एक्सिस दूसरे एक्सिस पे ओवरलैप करती हो, एक ही साथ हो, तभी यूज होता है। लेकिन ये जो कपलिंग्स है वो हैवी पावर को ट्रांसमिट कराने में यूज होता है। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? तो इसके पास फ्लेंज होती है। फ्लेंज दिखने में कैसी होती है? तो ऐसा कुछ सर्कुलर डिस्क जिसमें एक होल हो, ये सेंटर का होल, ठीक है, जिसमें हम ड्राइवर शाफ्ट को इंसर्ट कराएंगे। एक सर्कुलर डिस्क हो गई, बीच में एक होल है, ड्राइवर शाफ्ट को इंसर्ट कराया, और यहाँ पे फ्लेंज पे छोटे छोटे बहुत सारे होल होंगे। ये हम होल देख सकते हैं छोटे छोटे, ठीक है, इसमें से हम नट को पास कराएंगे। ठीक है, ऐसे ही इसके पास दूसरी भी एक फ्लेंज होती है, वापस से एक सिलेंड्रिकल डिस्क है, यहाँ पे एक होल है जिसमें हम क्या इंसर्ट करेंगे, जिसमें हम ड्रिवन शाफ्ट को इंसर्ट करेंगे जिसको हमें घुमाना है। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे चार कुछ होल है जिसमें से क्या करेंगे, हम बोल्ट को पास करेंगे। तो ये हो गए हमारे बोल्ट। ठीक है, क्या करेंगे, ये जो हमारा ड्राइवर शाफ्ट है उसको हम ये फ्लेंज में अंदर इंसर्ट करेंगे, जिसे हम ड्रिवन फ्लेंज बोल देंगे। ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन फ्लेंज को टाइट करने के लिए हम टेपर श्रंक की का यूज करेंगे, यानी ऐसे हमने डाल दिया ये और यहाँ पे कुछ गैप आई, तो ये गैप में हम ये जो टेपर श्रंक की है उसको हैमरिंग से हथौड़ा मार के फिक्स कर देंगे। उसी तरीके से ये जो ड्रिवन शाफ्ट है उसको ये फ्लेंज के अंदर हम इंसर्ट करेंगे और ये जो टेपर श्रंक की है उसको हथौड़ा मार के हम फिक्स कर देंगे। तो इसे बोल देंगे ड्रिवन फ्लेंज, इसे बोल देंगे ड्राइवर फ्लेंज, यानी ये दो ऐसे कुछ जुड़ जाएंगे और बाद में ये जो होल्स है ये होल्स के अंदर से हम ऐसे बोल्ट को पास करेंगे, यहां से पास करेंगे और यहां पे नट से हम उसे टाइट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये पूरी असेंबली को सामने से अगर हम देखेंगे तो ऐसा कुछ हमें दिखेगा। ये हो गई हमारी ड्राइवर फ्लेंज, जिसमें ड्राइवर शाफ्ट इंसर्ट किया है, जिसे हमने टेपर श्रंक की से फिक्स कर दिया है। बाद में ये हो गई हमारी ड्रिवन फ्लेंज, जिसमें हमने ड्रिवन शाफ्ट इंसर्ट किया है, जिसे हमें टेपर श्रंक से फिक्स कर दिया है। बाद में जो होल आए उसमें से हमने बोल्ट पास किए हैं और उसे नट की हेल्प से टाइट कर दिया है। अब ये जब ड्राइवर शाफ्ट घूमेगा तो इसका पावर कहां पे ट्रांसमिट होगा? ड्रिवन शाफ्ट पे ट्रांसमिट होगा। अब ये जो कपलिंग है उसे हम बोलते हैं अनप्रोटेक्टेड टाइप रिजिड फ्लेंज कपलिंग। ठीक है, अब फ्लेंज कपलिंग तो समझ में आता है कि इसमें फ्लेंज का यूज किया है, इसे हम फ्लेंज कपलिंग बोलते हैं। इसे रिजिड क्यों बोलते हैं, रिजिड फ्लेंज कपलिंग क्यों बोलते हैं, तो उसका आंसर, वो रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा। रिजिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सपोज करते हैं ये मशीन का शाफ्ट है, जैसे यहाँ पे पावर चालू हुआ तुरंत झटके से जर्क से मशीन में पावर ट्रांसमिट हो जाएगा, तो जर्क लगने पर मशीन के अंदर जो इंटरनल कंपोनेंट होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, यानी ये रिजिडली पावर ट्रांसमिट करेगा, तुरंत पावर ट्रांसमिट करेगा, इसलिए हम इसे बोल देंगे रिजिड फ्लेंज कपलिंग, से मशीन के पार्ट डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, रिजिड फ्लेंज कपलिंग का मतलब समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसे अनप्रोटेक्टेड टाइप क्यों बोलते हैं। अनप्रोटेक्टेड टाइप क्यों बोलते हैं वो भी लिखना होगा आपको, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब कपलिंग रोटेट होती है हाई स्पीड पे, तो फैक्ट्रीज में वर्कर वगैरह काम करते हैं आसपास ये कपलिंग के, और यहां पे हम देख सकते हैं ये बोल्ट का एज है, ये की एज है, ये रोटेट हो रही है ये सारी एज, तो अगर वर्कर पास में आया गलती से तो वर्कर के जो कपड़े हैं वो कपड़े इसमें फंस जाएंगे और एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे, यानी कि एक्सीडेंट होने के चांसेस है, इसलिए हम इसे बोल देंगे अनप्रोटेक्टेड टाइप। तो आप क्या लिखोगे कि देयर मे बी अ चांस दैट क्लोथ ऑफ अ वर्कर कैन बी कैच्ड सो दैट एक्सीडेंट मे टेक प्लेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनप्रोटेक्टेड टाइप। रिजिड क्यों, तुरंत पावर ट्रांसमिट करेगा, फ्लेंज क्यों, फ्लेंज का यूज किया है, शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब ये जो अनप्रोटेक्टेड टाइप रिजिड फ्लेंज कपलिंग है इसे प्रोटेक्शन तो देना पड़ेगा, तो सेम डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है। चेंज क्या करना है कि यहाँ पे दो लाइन बनानी है, यहाँ पे ऐसे दो लाइन बनानी है, यानी कि ये जो हमारा एज है की का और बोल्ट का, उसको हम एक कवर दे रहे हैं, उसको हम एक शेल्टर दे रहे हैं, उसको हम एक हाउसिंग दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब जब ये घूमेगा और वर्कर पास में आएगा तो उसका कपड़ा इसमें फंसेगा नहीं, यानी इसे प्रोटेक्शन मिल गया है, तो इसे हम बोल देंगे प्रोटेक्टेड टाइप रिजिड फ्लेंज कपलिंग। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा, तो बस एक याद रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अनप्रोटेक्टेड में क्या करेंगे, हाउसिंग नहीं बनाएंगे, इसमें हाउसिंग बना देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं,
तीसरे नंबर पे आता है अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेक्सिबल फ्लैंज कपलिंग। रिजिड का मतलब क्या? तुरंत पावर ट्रांसमिट हुआ। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या? डेलिब्रेटली पावर ट्रांसमिट हुआ, जर्क के साथ नहीं हुआ, जिसके कारण मशीन के जो इंटरनल कंपोनेंट है वो डैमेज नहीं होंगे, यानी फ्लेक्सिबिलिटी एक आ चुकी है। अब फ्लेक्सिबल फ्लैंज कपलिंग यानी क्या? फ्लैंज का तो यूज होने वाला है, यानी फ्लैंज कपलिंग आ गया। फ्लेक्सिबल कैसे बनाए इसे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला जो हमारा फ्लैंज है, ये वाला फ्लैंज कौन सा? ड्राइवर साइड का फ्लैंज, ये ड्राइवर ड्रिवन साइड का फ्लैंज, ड्रिवन साइड का फ्लैंज, उसके ये जो होल्स है नट बोल्ट्स के, उसे हम एनलार्ज कर देंगे। जैसे कि इसका डायमीटर, सपोज इसका डायमीटर 5 mm है, तो इसका डायमीटर हम 10 mm कर देंगे, ठीक है? यानी डायमीटर बढ़ चुका है। अब ये 10 mm का जो डायमीटर है उसके अंदर हम एक रबर का बुश डालेंगे। ये हो गया रबर का बुश। रबर का बुश यानी क्या? जो हमारी ग्रिपर बॉल पेन आती है उसमें देखा होगा आपने, आगे ब्लू कलर का ऐसा कुछ ग्रिपिंग जैसा होता है, ये ग्रिपिंग जैसा, वो ग्रिपर को हम किसमें डाल देंगे? इसके अंदर इंसर्ट करा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने इंसर्ट करा दिया, ये क्रॉस सेक्शन बताया है, ये क्या हो गया? रबर बुश हो गया। शायद समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा जब ये मशीन रोटेट होगी, ये रोटेट होगी, सपोज ये 1 degree रोटेट हो गया, ये ड्राइवर साइड 1 degree रोटेट हो गया है, तो इसके सामने ये क्या होगा? 1/2 degree ही रोटेट होगा। क्यों? क्योंकि ये बोल्ट तो 1 degree रोटेट होंगे, लेकिन ये बोल्ट, ये जो रबर बुश है उसे कंप्रेस करेंगे। अभी तक पावर ट्रांसमिट नहीं हुआ, थोड़ा कंप्रेस करेंगे, बाद में जाके पावर ट्रांसमिट होगा। यानी यहां पे हमें सडन पावर ट्रांसमिट नहीं मिलेगा, तुरंत पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, जर्क के साथ पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, इसलिए इसे हम बोल देंगे फ्लेक्सिबल फ्लैंज कपलिंग। अनप्रोटेक्टेड क्यों? वही रीजन लिखना, क्या? कि यहाँ पे क्लोथ ऑफ अ वर्कर में कैच, ठीक है, तो एक्सीडेंट में टेक प्लेस। अब इस यही फिगर याद रखने पर हमें प्रोटेक्टेड टाइप भी आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूं, लिखना क्या है आपको? प्रोटेक्टेड टाइप, यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड, यहाँ पे प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेक्सिबल फ्लैंज कपलिंग। यहाँ पे क्या दे दिया हमने? हाउसिंग दे दिया, जिसके कारण ये जो की और बोल्ट है उसके एज जो है वो वर्कर के क्लोथ को पकड़ेंगे नहीं, जिसके कारण एक्सीडेंट होगा नहीं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी बातें खत्म हो चुकी है कपलिंग की। अब सीधा हम जाएंगे ब्रेक के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे ब्रेक के बारे में। कपलिंग का यूज हमने देख लिया, दो शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए। ब्रेक का यूज क्या होता है? हम सबको पता है कि कोई भी रोटेटिंग चीज जो होती है, जिसे हम मूविंग मेंबर बोलते हैं, रोटेटिंग चीज की स्पीड को कम करने के लिए, या फिर बोल लो उसे रिटार्ड करने के लिए, रिटार्ड यानी क्या? उसकी स्पीड कम करना, और या फिर उसे स्टॉप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्रेक का यूज करते हैं। और कैसे हम उसकी स्पीड को कम करेंगे या उसे स्टॉप करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। वो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि ये घूम रहा है, तो यहां पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और ये एक्सटर्नल फोर्स क्या क्रिएट करेगा? फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, और ये फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? हीट पैदा होगी, और हीट क्या होगी? सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाएगी, यानी सराउंडिंग में चली जाएगी। तो यही यूज है ब्रेक का। ब्रेक क्या है? इट इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है यूज टू स्टॉप और रिटार्ड द मोशन ऑफ अ मूविंग मेंबर। किसका काम करती है, किसके काम, किसके लिए यूज होता है? कि स्टॉप करने के लिए या उसकी स्पीड कम करने के लिए। किसकी? मूविंग मेंबर की, यानी जो रोटेट हो रहा है उसकी। कैसे कम करेगा? बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स। बाहर से एक फ्रिक्शनल फोर्स हम लगाएंगे, उसके कारण मूविंग मेंबर स्टॉप हो जाएगा या फिर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो हीट है वो सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाएगी, यानी सराउंडिंग में चली जाएगी। अब ब्रेक के टाइप्स देख लेते हैं। ये टाइप्स में से भी दो टाइप आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। कौन से टाइप है? बैंड ब्रेक है, शू ब्रेक जिसे ब्लॉक ब्रेक भी बोलते हैं, उसके दो सब टाइप है, सिंगल शू ब्रेक, डबल शू ब्रेक। नेक्स्ट है बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक, यानी ये बैंड और शू, बैंड एंड ब्लॉक दोनों का कॉम्बिनेशन। और आखिर में आता है इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपांडिंग ब्रेक, जिसमें दो टाइप है, मैकेनिकल ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ये सारी ब्रेक का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सारी चीज हम समझ लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ब्रेक है बैंड ब्रेक। बैंड ब्रेक में क्या होता है? एक बैंड होता है, बैंड यानी ऐसा कुछ फ्लेक्सिबल बैंड होता है। एक ये जो बैंड होता है वो किससे बना होता है, वो हमें लिखना पड़ेगा कि एक स्टील का वायर होता है, और स्टील के वायर के आसपास लेदर का या फिर रबर का एक कवर होता है, लेदर या रबर का लाइनिंग होती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? स्टील का वायर, उस पर हमने लेदर या रबर की लाइनिंग कर दी, ठीक है, यानी उसे कोट कर दिया रबर या लेदर से। बाद में हम एक फलक्रम लेंगे, फलक्रम यानी एक फिक्स सपोर्ट है जो सपोर्ट किसी भी चीज को हिलने नहीं देगा। बाद में एक लीवर ले लेंगे, लीवर यानी क्या? एक डंडा, लोहे का डंडा या मेटल का पीस ले लेंगे, तो ये लीवर को यहाँ पे फिक्स कर देंगे, जिससे करके ये लीवर ऊपर नीचे तो हो पाएगा, लेकिन यहाँ इसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी।
ये हो गया हमारा रोटेटिंग मेंबर, मूविंग मेंबर जो रोटेट हो रहा है, जिसकी स्पीड हमें कम करनी है, जिसको हमें स्टॉप करना है। बस अब क्या करेंगे हम, ये लीवर पे अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये जो हमारा बैंड है ये रोटेटिंग मेंबर के साथ ऐसे चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो क्या लगेगा, एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसके कारण इसकी मोशन बंद हो जाएगी या ये स्लो हो जाएगा, धीरा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बैंड ब्रेक तो हमने देख लिया, उसका ही एक दूसरा टाइप है डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। सेम डायग्राम हमें यहाँ पे बनाना है, सेम वर्किंग प्रिंसिपल हमें समझाना है, लेकिन चेंज क्या है कि यहाँ पे जो हमने लीवर लिया था किसमें, सिंपल बैंड ब्रेक में, ये लीवर के साथ एक एक्सटेंशन आर्म भी लगेगा। एक्सटेंशन आर्म यानी एक्स्ट्रा एक पार्ट हम लगा देंगे, एक्सटेंशन ऑफ लीवर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लीवर ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे बैंड जो हम है वो बैंड हम यहाँ पे अब फिक्स नहीं करने वाले, यहाँ पे हम फिक्स करने वाले हैं, यानी कि ये जो डिफरेंशियल बैंड ब्रेक है उसमें जो बैंड के एंड्स होते हैं वो बैंड के एंड्स हम फलक्रम के ऑपोजिट साइड लगाते हैं, उसका मतलब हो गया डिफरेंशियल। डिफरेंशियल यानी क्या, जो भी बैंड है हमारा उनके दोनों एंड हम फलक्रम के ऑपोजिट साइड लगाते हैं। अब बाद में क्या करेंगे, फोर्स नीचे की साइड लगाएंगे तो ये लीवर, ये ऐसा कुछ लीवर है तो ऐसे हो जाएगा, यानी बैंड ऊपर खींच जाएगा और मूविंग मेंबर से चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद इसका मोशन ये बंद कर देगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड ब्रेक है शू और ब्लॉक ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंगल ब्लॉक ब्रेक बनाया है। क्यों सिंगल ब्लॉक ब्रेक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही ब्लॉक का, एक ही शू का यूज हुआ है। वापस से एक फलक्रम ले लिया, वापस से एक लीवर ले लिया, लीवर के नीचे हमने क्या लगाया, शू लगाया। ठीक है, कोई मटेरियल का, रबर का, लेदर का। ठीक है, नीचे क्या है, मूविंग मेंबर जो रोटेट हो रहा है, जिसको हमें स्टॉप करना है। क्या करेंगे, फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगाएंगे, नीचे की डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये शू जो है, ब्लॉक जो है, वो ये ड्रम के साथ चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। एक दूसरी बात भी आपको लिखनी होगी एग्जाम में, कौन सी, कि ये जो ब्लॉक का मटेरियल है वो मटेरियल सॉफ्ट होना चाहिए इसके मटेरियल से, ड्रम के मटेरियल से। क्यों, अगर इसका मटेरियल ड्रम के मटेरियल से हार्ड होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होने के कारण ये हार्ड है तो ये ड्रम घिसता जाएगा, ड्रम छोटा हो जाएगा। तो ऐसा हमें करना नहीं, तो हम इसका ही मटेरियल सॉफ्ट ले लेंगे, जिसके कारण ब्रेक घिस जाएगा और बाद में हम ब्रेक को रिप्लेस कर देंगे या ब्रेक को बदल देंगे। ये बात हो गई सिंगल ब्लॉक ब्रेक की। अब यहां पे मैंने डायग्राम बनाया है डबल ब्लॉक ब्रेक का। क्यों, दो हमने ब्लॉक यूज करे हैं। यहाँ पे हम दो फलक्रम ले लेंगे, दो लीवर को ऐसे लगा देंगे, यानी लीवर ऐसे हो पाएंगे लेकिन ये जो एंड है, ये जो एंड है उससे वो ऊपर नीचे नहीं हो पाएंगे, ऐसे हो पाएंगे। ठीक है, बाद में एक हम तीसरा भी लीवर ले लेंगे, ये तीसरे लीवर को यहाँ पे फिक्स कर दिया ऐसे करके कुछ। ठीक है, बाद में ये तीसरे लीवर के साथ हम स्प्रिंग मैकेनिज्म अटैच कर देंगे। ये हो गया हमारा स्प्रिंग मैकेनिज्म, ये तो मूविंग मेंबर रोटेट हो ही रहा है। अगर ये लीवर को मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा, ये जो ऊपर की साइड है, अपर एंड्स ऑफ बोथ लीवर्स विल कम टूगेदर, ऐसे करके यहाँ पे आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, पास में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लॉक इससे चिपक जाएगा, इसका मोशन स्टॉप हो जाएगा या धीरा हो जाएगा। हमने फोर्स लगा के रखा है, ये पास में आ गया है, यानी स्प्रिंग भी कंप्रेस हो चुकी है। जैसे ही यहाँ से फोर्स हटाएंगे तो स्प्रिंग वापस एक्सपांड हो जाएगी, यानी ब्रेक हमारी डिसएंगेज हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा डबल ब्लॉक या शू ब्रेक। लास्ट में दोनों का कॉम्बिनेशन है, एकदम आसान सा है। कौन सा है, बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। इसमें यही डायग्राम बनाना है, लेकिन ये जो बैंड है उसके ऊपर हमें ब्लॉक भी बनाने हैं। बस यहाँ पे ब्लॉक भी है, बैंड भी है, तो इसे क्या बोल देंगे, बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक। इसमें भी यही टाइप आएगा, डिफरेंशियल बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक, जिसमें एक एक्सटेंशन आर्म दे देंगे हम, वापस से बैंड बना देंगे, उसके ऊपर ब्लॉक बना देंगे, नीचे की साइड फोर्स लगाएंगे तो ये चिपक जाएगा और यहाँ पे ब्रेक लग जाएगी। अब एक आखिरी ब्रेक लेके लेते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आखिरी जो ब्रेक हमारी है वो है इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। इंटरनल यानी अंदर की साइड से एक्सपांड होती हो, अंदर की साइड से एक्सपांड होती हो, उसे हम बोल देंगे इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। ठीक है,
तो उसके लिए हम कुछ ऐसा डायग्राम बनाएंगे जहां पे ये जो बाहर का सर्कल है क्रॉस सेक्शन वाला, इसे हम बोल देंगे रोटेटिंग ड्रम, जो कि घूम रहा है। ये बाहर का ही सर्कल सिर्फ घूम रहा है, रोटेटिंग ड्रम ऐसे घूम रहा है जिसकी मोशन को हमें कम करना है, जिसे स्टॉप करना है। तो हम इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक का यूज करेंगे जिसमें दो ब्रेक्स होगी, मैकेनिकल ब्रेक्स या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक्स। मैकेनिकल ब्रेक यानी क्या, ये जो ड्रम घूम रहा है उसको मैन्युअली हम ऑपरेट करके इसको स्टॉप करें तो हम उसे मैकेनिकल ब्रेक बोल देंगे। अब ये जो ड्रम घूम रहा है उसको अगर हमें स्टॉप करना है तो हम अगर ऑयल का प्रेशर का यूज करके उसे स्टॉप कर दे तो उसे हम बोल देंगे हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, तो मैकेनिकल ब्रेक के बारे में समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा ड्रम जो रोटेट हो रहा है, इसकी अंदर की साइड ऐसे हमने दो रिब्स लेके रखे हैं, इसे हम बोलते हैं रिब्स। अब ये दोनों रिब्स के जो बॉटम एंड है उसे पाइवोट किया जाता है। पाइवोट यानी क्या, ये जो है वो ऐसे जा सकते हैं लेकिन ये नीचे के जो एंड है वो ऐसे हिल नहीं सकते, यानी यहां से फिक्स है और ऐसे ये जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर ये जो लास्ट एंड है वहां पे हमने एक स्प्रिंग लगा के रखी है, ठीक है, और बीच में हमने एक लीवर लगा के रखा है, और ये जो रिब है ये रिब की बाहर की साइड पे हमने ब्रेक लाइनर लगाया है, यानी कोई रबर का कोटिंग हमने चढ़ाया है। अब क्या होगा, जब हम फोर्स ये डायरेक्शन में लगाएंगे या ये डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये पूरा लीवर ऐसे टिल्ट होगा। ऐसे टिल्ट होने के कारण क्या होगा, ये एक्सपांड होगा, पीछे की ओर जाएगा, स्प्रिंग क्या होगी, एनलार्ज होगी, ऐसे स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग खींचेगी और ये दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो ये लाइनर जो है वो ड्रम के साथ चिपक जाएंगे और हमारी ब्रेक लग जाएगी। अब हम फोर्स छोड़ देंगे तो ये स्प्रिंग वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, तो ये ब्रेक यहां से डिसएंगेज हो जाएगी। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा। अब अगर यहां पे हमने क्या किया है, मैन्युअली ये ब्रेक को ऑपरेट किया है इसलिए हम इसे मैकेनिकल ब्रेक बोल लेंगे। अब यही चीज, ये वाली चीज अगर हम ऑयल के प्रेशर का यूज करके ऐसे हम इसे हटाए जिससे कारण करके ब्रेक लग जाए तो उसे हम हाइड्रोलिक ब्रेक बोल देंगे। सेम डायग्राम यहां पे हमें बनाना है, मैंने पूरा डायग्राम बनाया नहीं, आप बना लेना। ये स्प्रिंग को हम हटा देंगे, ये लीवर को भी हम हटा देंगे, तो यहाँ दोनों के बीच में स्प्रिंग भी नहीं है, लीवर भी नहीं है, दोनों नीचे पाइवोटेड है एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर, ये हो गया इनलेट। ठीक है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा दिया, पिस्टन के दोनों एंड को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे स्प्रिंग से कनेक्ट किया था, यहाँ पे पिस्टन से कनेक्ट किया है। अब ये जो इनलेट है यहां से हम हाई प्रेशराइज्ड ऑयल डालेंगे जिसके कारण ये पिस्टन क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूर जाने पर ये जो हमारा पाइवोटेड है नीचे की साइड वो तो ऐसे ही रहेगा लेकिन ये ऐसे चला जाएगा। ऐसे जाने के कारण ये जो रबर लाइनर है वापस से ये ड्रम के साथ चिपक जाएगा, तो ये ड्रम क्या हो जाएगा, ड्रम घूमना बंद हो जाएगा। यहां पे हमने प्रेशर, ऑयल के प्रेशर का यूज करके हमने ब्रेक लगाई है तो इसे हम हाइड्रोलिक ब्रेक बोल देंगे। तो इतनी ब्रेक हमें अच्छे से करके जानी है। अब हम आखिरी पार्ट देख लेते हैं ये वीडियो का, जो कि होगा क्लच। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हम क्लच के बारे में समझेंगे। तो क्लच का क्या यूज होता है, तो क्लच जो है वो कपलिंग के जैसा ही है। क्लच का काम क्या है, क्लच भी एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करता है। ड्राइवर शाफ्ट पे जो पावर है उसे ड्रिवन शाफ्ट पे ट्रांसमिट करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि अगर क्लच और कपलिंग दोनों का यूज सेम है तो डिफरेंस क्या है दोनों में, तो वो समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये मोटर है, ये मोटर का शाफ्ट है जो कि ड्राइवर शाफ्ट है। ये मशीन है, मशीन के शाफ्ट पे हमें पावर ट्रांसमिट कराना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कनेक्ट कराएंगे। दोनों को कनेक्ट कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे सर हम कपलिंग लगा देंगे तो कनेक्ट हो जाएंगे, तो मोटर का शाफ्ट घूमेगा तो मशीन का शाफ्ट भी घूमना चालू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि अगर मुझे पावर ट्रांसमिट नहीं करना यहाँ पे और मोटर का शाफ्ट फिर भले ही घूम रहा है लेकिन मुझे मशीन पे ट्रांसमिट नहीं करना पावर, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए सर हम करेंगे मोटर का जो शाफ्ट है उसे बंद करेंगे, यानी मोटर को स्टॉप करेंगे। बाद में कपलिंग को निकालेंगे, कपलिंग को निकालने के बाद मशीन को सेपरेट कर देंगे। बाद में अगर मोटर का शाफ्ट चालू किया हमने तो ये पावर इस पे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी एक लेंथी प्रोसीजर है। लेंथी प्रोसीजर यानी क्या, इस पे पावर अगर हमें स्टॉप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कपलिंग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बाद में जाके ही ये मशीन पे पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। हमारा तो क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे यहां से यहां पावर ट्रांसमिट करना है या यहां से यहां पावर ट्रांसमिट नहीं करना, तब मुझे ये जो मोटर का शाफ्ट है, ये ड्राइवर शाफ्ट है, उसे स्टॉप नहीं करना है। समझ में आ रहा है कुछ, यानी कि विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइवर शाफ्ट, विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइवर शाफ्ट वी कैन ट्रांसमिट द पावर ऑन
ड्रीवन शाफ्ट यानी क्या, मोटर शाफ्ट घूम रहा है, ड्राइवर शाफ्ट घूम रहा है, ठीक है, ये ड्राइवर शाफ्ट घूम रहा है, तब क्या हम कपलिंग लगा सकते हैं? नहीं सर, तब कपलिंग नहीं लगा सकते हैं, तो इसको हमें बंद करना पड़ेगा, बाद में कपलिंग लगाएंगे, बाद में चालू करेंगे, बाद में मोशन ट्रांसमिट होगा। क्वेश्चन क्या है, मुझे मोटर का शाफ्ट बंद करना ही नहीं है, ठीक है, बंद करना ही नहीं है, चालू चालू मोटर में, चालू मोटर में मुझे पावर ट्रांसमिट कराना है, ठीक है, चालू मोटर में कपलिंग तो हम लगा नहीं सकते, क्यों, हाथ हमारे टूट जाएंगे, ठीक है, तो चालू मोटर में हम कैसे ट्रांसमिट कराएंगे पावर को, चालू मोटर में हम क्लच का यूज करके पावर को ट्रांसमिट कराएंगे। क्लच क्या है, इट इज अ डिवाइस, वो एक डिवाइस है टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम ड्राइवर शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट, ड्राइवर से ड्रिवन शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करेगा, कब, एट विल, एट विल यानी हमारी जब भी इच्छा होगी तब हम कर पाएंगे, यानी क्या, एट विल यानी क्या, विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइवर शाफ्ट, यानी कि अगर यहां से यहां पावर ट्रांसमिट कराना है, ये मोटर ऑलरेडी हमारा घूम रहा है, ठीक है, ऑलरेडी हमारा घूम रहा है, पावर ट्रांसमिट करना है, कपलिंग का यूज करना है, तो मोटर शाफ्ट को बंद करना पड़ेगा, कपलिंग लगाना पड़ेगा, लेकिन मोटर का शाफ्ट घूम रहा है, क्लच का यूज किया तो मोटर का शाफ्ट बंद करने की जरूरत नहीं है, चालू मोटर में भी हम पावर यहां पे ट्रांसमिट कर पाएंगे, जिसे हम क्लच बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्लच के बेसिक तीन टाइप है, पहला है कोन क्लच, डिस्क क्लच, दूसरा और तीसरा मल्टी डिस्क क्लच, ठीक है। तो कोन क्लच क्या है, तो कोन क्लच में कुछ नहीं, ऐसा करके कुछ शेप होगा, ऐसे कोन शेप होगा, ठीक है, ये ड्राइवर शाफ्ट से कनेक्ट किया है, ड्राइवर शाफ्ट ऑलरेडी घूम रहा है, ड्राइवर शाफ्ट ऑलरेडी घूम रहा है, ये हमारा ड्रिवन शाफ्ट है जिसे हमें घुमाना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे स्प्रिंग मैकेनिज्म लगा दिया, यहाँ पे पैडल लगा दिया, ऐसा कुछ शेप का, ऐसा इंटरनल कोन जैसा लगा दिया, पैडल पे अगर हम प्रेशर देंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट ऐसे, ये पूरा पार्ट ऐसे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो ये जो है इस पे फिक्स हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा यानी चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, तो ये तो घूम रहा है, तो साथ में ये भी घूमना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमने ड्राइवर शाफ्ट को स्टॉप किए बिना चालू ड्राइवर शाफ्ट में हम इसका पावर ड्रिवन शाफ्ट को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसे हम क्लच बोलेंगे। अब अगर पैडल हमने हटा लिया तो क्या होगा, वापस से ये पीछे चला जाएगा, यानी पावर ट्रांसमिशन रुक जाएगा, वापस से पेडल दबाएंगे, चालू ड्राइवर शाफ्ट में हम वापस से ड्रिवन शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट कर पाएंगे। आई होप इजी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है डिस्क क्लच। अब ये डिस्क क्लच को हम सिंगल डिस्क क्लच बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमने एक ही डिस्क लेके रखा है। यहाँ पे क्या होता है, सेम चीज होती है, एक डिस्क ले लिया जिसे हमने बोल दिया ड्राइवर डिस्क, क्यों ड्राइवर डिस्क, क्योंकि ये ड्राइवर डिस्क को हमने ड्राइवर शाफ्ट पे कनेक्ट कर दिया है, ड्राइवर शाफ्ट तो घूम रहा है, ये पावर जो है हमें ड्रिवन शाफ्ट पे ट्रांसमिट कराना है, ड्रिवन शाफ्ट स्टेशनरी है, तो उसके लिए एक और डिस्क ले लेंगे जिसे हम ड्रिवन डिस्क बोल देंगे, बाद में स्प्रिंग मैकेनिज्म, पैडल लगा लेंगे, पैडल पे फोर्स अप्लाई किया, ये पूरा ये साइड आके चिपक जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये भी घूमना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमने ड्राइवर शाफ्ट को रोका नहीं है, विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइवर शाफ्ट वी कैन ट्रांसमिट द पावर ऑन द ड्रिवन शाफ्ट, ये हो गया हमारा क्लच। नेक्स्ट है मल्टी डिस्क क्लच। यहाँ पे हमने एक डिस्क ली थी या दो डिस्क ली थी, एक या दो से ज्यादा अगर डिस्क लेंगे, ये हमारा होगा फ्रिक्शन प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट यानी रबर या लेदर का जो फ्रिक्शन बना सके अच्छे से, स्लिप ना हो पाए, एक से ज्यादा हमने डिस्क ले ली तो वो क्या, वही प्रिंसिपल लिखना है, एक से ज्यादा डिस्क ले ली तो इसे हम बोल देंगे मल्टी डिस्क क्लच। तो ये चैप्टर यहाँ पे ही होता है समाप्त। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।